तो हेलो गाइस, आपका दोबारा से एक बार जोरदार वेलकम इस वीडियो में आने के लिए। तो भाई, जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है, तो भाई मोदी जी ने 400 पार किया हो या ना किया हो, वैसे कर नहीं पाए, तो मोदी जी ने 400 पार किया हो या ना किया हो, पर सोशल मीडिया में मीम्स 400 के ऊपर बन चुकी हैं। तो आओ 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 आओ, आज देखते हैं कि करके धमाकेदार मीम्स और खूब सारा हंसते हैं हम लोग साथ मिलके। सो लेट्स बिगिन, आइए देखते हैं, मजा आएगा। नीतीश कुमार एंड चंद्रबाबू नायडू आफ्टर एनडीए मीटिंग। सही बात है यार, आज उन लोगों की यही हाल है वाकई में। वो लोग सिर्फ मजे ले रहे हैं क्योंकि सब कुछ, मतलब उनका तो भावकाल है भाई, मतलब आप जहां आएंगे सर वही सरकार बन जाएगी। तो भाई इसीलिए तो, अबे तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कैसा मेरी तरफ है? उंगली उसकी तरफ है लेकिन दिल आपकी तरफ है। मैंने आपका नमक खाया। अभी तो मेरे से मार भी खाएगा। सटिया गए हैं आप। सही बात है, सटिया तो गया ही है। मतलब मीम्स बनाने वाले को भी ये सोचना चाहिए, मार खाएगा? अरे भाई हाथ पैर जोड़ लेगा आजकल नीतीश के सामने, मोदी हो चाहे राहुल गांधी हो, क्या यार। चलो आगे देखते हैं। बीजेपी टू नीतीश कुमार, छोटा भाई और मोदी जी। अब चलिए आपको मिलाते हैं बीजेपी प्रत्याशी जो कि आजमगढ़ से थे। गुलाब जैसन खिलल बाड़ू तू भावरा। क्या प्रत्याशी थे भाई, आज मेरे पास सब कुछ है लेकिन 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 क्या भाई। यार एडिटरों को भाई दिल से सलाम है। अब आओ देखते हैं कहीं चर्चा का इस समय भावकाल तो बहुत ज्यादा है पार्टी के अंदर। भाई कोई भी होगा वो पैर ही छुएगा या पैर दबाएगा क्योंकि चाचा ही तो सरकार डिसाइड कर रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। कहने का मतलब है यार, कॉफी कुछ दाल 600 रुपया हो जाए, चावल 400 रुपया हो जाए, पर चाहे आपकी बेटी की इज्जत लूट जाए, चाहे आपकी बेटी की हो जाए, आपको मोदी का गजब की वाइल्ड कार्ड एंट्री थी यार, लेकिन उसके बाद भी सही थी। क्या बात है, हैं जो मीम्स एडिट करते हैं, मैं इनसे एक चीज कहना चाहता हूँ, बाकी सब तो ठीक है भाई, पर तुम लोग यार इंस्टाग्राम ना बंद करवा देना किसी दिन। देख लो किसको यार तुमने डांस करवा दिया है यार, किसी दिन भाई रोजी रोटी ना खत्म करवा देना तुम लोग यार। आइए आगे देखते हैं। खटाखट 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 टनाटन 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 खटाखट 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 सफाचट 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 फटाफट फटाफट खटाखट 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 छोड़ो यार खटाखट 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 खटाखट। इस बार वाकई में लोग टकाटक खटाखट फटाफट सब यही खेलते रहे हैं यार, मतलब वाकई में। राहुल गांधी ने बोल कह दिया था कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा ठका ठक सा है, तो उसके बाद खटाखट फटाफट सफा चट, जाने क्या क्या आ गया भाई। और ये मीम्स वालों को तो आप जानते हैं, ये मिला के सब एक बना दिया। अब चलिए आगे देखते हैं। बकायदा मोदी जी के साइड में बैठा था और मैंने खुद कान से सुना है कि मोदी जी ने जब इसराइल के जो राष्ट्रपति उनसे बात करी थी वॉर रुकवाने के लिए, हमारे बच्चे निकल गए, हमारे देश के वासी। कौन सी रुकवाई?
और कौन से रुकवाए भैया जी? इजराइल वाला और बताऊं। इजराइल वाले की बात ही नहीं, ये इनकी जानकारी है। लगातार मीम्स बने हैं, लगातार कार्टून चले, लगातार ऐड क्या चला, रूस और यूक्रेन की वार रुकवा दी, उसके बारे में बात चल रही। अभी नहीं इजराइल याद है, पता कुछ नहीं है, शोर खूब मचाना है भाई। वाइल्ड का एंट्री तो ये थी यार, वाकई में यार। राधे राधे गुरु जी, मेरे चरण में आपका कोटि कोटि प्रणाम। अच्छा वो मोदी जी नीतीश, ये बहुत पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, आज फिट बैठ रहा है। लेकिन गाइस चलिए आगे देखते हैं, पॉलिसी के लिए कितना खड़ा रहेंगे, कैसे खड़ा? हमेशा खड़ा है दल बल के साथ, एकदम इतना गाड़ी रहेगा आपके द्वारा। जैसे क्या नाम है इसका, खेसारी लाल यादव सर नाम है, किसने तो यार डरा ही दिया बिल्कुल। चलिए अब आगे देख लेते हैं, आपके लिए आज बहुत सारी मीम्स लेकर आए हैं। नेम चेंज करते करते मुझे चेंज कर दिए, ओह माय गॉड। सही बात है यार, मतलब ये तो इस बार बिल्कुल अलग चीज हो गई। उत्तर प्रदेश ने कमाल कर दिया, अखिलेश यादव ने कमाल कर दिया, मतलब वाकई में यार ये किसी ने सोचा नहीं था, बड़ी बात। चलिए आगे देखते हैं। तो आप बेरोजगार हो तो एक बार भी सोच रहे हो कि 8 बेरोजगार और क्यों पैदा कर रहे हो? मोदी जी ने तो रोक दिया, एक भी बच्चा है मोदी जी का बताओ, कोई एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं आप नहीं बढ़ाएंगे। मतलब यार इनके हिसाब से तो बच्चे पैदा ना करें, बुढ़ापे में ये हम लोगों को खाना खिलाएंगे क्या आगे? बेरोजगारी के बारे में अगर सोच के बच्चे ना पैदा करें। अबे वो तुम्हारे मोदी जी योगी जी शादी नहीं की है तो बच्चे के आसमान से लेकर आएंगे क्या? क्या यार ये वाकई में, ये जो अभी आजमगढ़ का प्रत्याशी दिखे थे ये उन्हीं पे सूट कर, ये उसी काम पे सूट करते हैं, यहाँ पर इनका कोई जरूरत है नहीं वैसे। हालांकि इस बार जनता ने इनको स्वीकार नहीं किया है। आप किसको दीजिएगा? हम अपने पति को। अरे वोटिंग का बात कर रहे हैं दीदी, का एकदम वही चलता है आदमी के दिमाग में है। अरे यार अब मैं इसके बारे में कुछ कहूंगा तो विवाद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उदित राज जी, देवघन जी, स्वामी उदित राज, उदित राज कह रहे हो, तुम्हारा नौकर हूँ क्या? तुम हो क्या यार, तुम दलाल आदमी हो। शब्दों की मैं तो आपको बोलूं, उदित राज जी को आप बोलने का मौका देना चाहिए। आपको गाली देने का मन है तो आप ब्रेक के बाद वो गाली दीजिएगा, क्योंकि मैंने तो आप बाल पूछ गाली नहीं, गाली अभी भी आप गाली देने लायक है जब तो आप, नौकर आप लायक नहीं हो बुलाने के कार्यक्रम के अंदर, आप इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो। चलिए आगे देखते हैं। नीतीश कुमार की वजह से बनी बीजेपी की सरकार, अरे इसी सीधा तो पकड़ ले। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अचानक नीतीश कुमार पलटे और बनी कांग्रेस की सरकार। क्या बात है यार, टैलेंट की मतलब कमी नहीं है यार अपने, क्या बात है भाई, वेरी वेल डन। चलो अब आगे देखते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाह, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। नीतीश चाचा आप बोल ले मादा चोर। गाइस ये वीडियो मुझे लग रहा है 2016 या 15 के टाइम पे ये वीडियो आया था यार, मीम्स वाले कहां कहां से निकाल के ला रहे हैं, लेकिन सॉलिड था। अब अच्छा आप उनसे मिला देते हैं जो हमारे आदित्य कुमार सिक्स्थ क्लास में जो पढ़ते थे, भाई ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि कौन पीएम बनेगा, ये देखिए। अच्छा देश के प्रधान ब्रो प्रेडिक्टेड वे बिफोर। अच्छा देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नीतीश कुमार। क्या बात है आदित्य कुमार भाई, क्या भविष्यवाणी करते हो यार। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अरे क्या कर रहे हैं आप, देख दे रहे साहब का जा रहे हैं? मैं जानता हूँ, नमस्ते बेटा, मैं अपोजिशन का लीडर कुमार विशाल हूँ। मुझे पता था सुबह उठते ही आप संडास जरूर जाएंगे, इसलिए सुबह 5 बजे से कुर्सी यहाँ डाल के बैठा हूँ। मेरे पास 40 MLA हैं, जहाँ मैं चाहूंगा वहाँ साइन कर देंगे, आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए। अगला चीफ मिनिस्टर आप बनेंगे या मैं, ये जनरल बॉडी मीटिंग में तय कर लेंगे। मेरी बात सुनिए, मैं आपके लिए कुछ जेब खर्ची लाया हूँ, बाहर वैन में पड़ी है,
कहाँ रखूं? 100 खोखा। 100 खोखा मतलब 100 करोड़। 100 करोड़। आगे बढ़ते हैं। वो अपने बाबू से बोला जा रहा होगा। मेलोडी यार बहुत ध्यान रखती है मोदी जी का। आगे देखते हैं। ये तो क्या हुआ, एग्जाम तो क्लियर कर लिया ना बाबू। ओप्स। मोदी जी को सबसे ज्यादा तो सरकार कहीं हार ना जाए, इनको इसी के सामने बेइज्जती होने का डर होगा, नहीं बाकी तो इनको कोई दिक्कत ही नहीं होगी जिस तरह की हाल दिख रहा है इस समय। चलिए गाइस फिर और देखते हैं, लास्ट एंड आखिरी मीम देखते हैं। होगा टेप? हाँ, टेप है, वो चलाए अभी। चलाते रहो, हरि का भजन गाते रहो, नरेंद्र मोदी से पैसा लेकर खाते रहो। आज जो एयरपोर्ट पे जो हुआ, पत्रकारों को आपने गालियां दी, बहुत बदतमीज है तुम्हारा रिपोर्ट। आपने भी तो उनसे बदतमीजी करी। बदतमीजी फिर वही जवाब बोल रहा है, दे देंगे दुम का नाचे गिर जाओगे। बिहार के बाबू से पंगा नहीं लेना बाबू। गाइस इलेक्शन मीम में मजा आया कि नहीं आया, कमेंट में जरूर बताएं। और चलो चलते हैं, फिर अगली बार मिलेंगे ऐसे ही अच्छी वीडियो के साथ। बाय बाय।